फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोजी, आज मैं बना रही हूँ पुलाव। पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चावल, नमक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, तेल, घी, कुछ साबुत गरम मसाला, प्याज कटी हुई जो मैं फ्राई करूँगी, हरी मिर्ची, कलर। चलते हैं पुलाव बनाने के लिए। तेल हमारा गरम हो गया है, मैंने इस चम्मच का 4 चम्मच तेल डाला है। अभी हम गरम साबुत मसाला, जो गरम मसाला है उसको हम डाल देंगे। इसी के साथ हम चावल डाल देंगे, सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे। चावल हमारा गरम हो गया है, अब हम पानी डालेंगे। चावल को आप कोई भी बर्तन से नाप लीजिए, उसी बर्तन का आप डबल पानी डालिए। अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने देते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आता है, आप गैस का फ्लेम को मीडियम में कर दीजिए, फिर इसको हम पकने देते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। फ्रेंड्स, पुलाव की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को शेयर करना। पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देना।